नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रंगों के त्यौहार होली पर गुजिया बनाना बता रही हूँ। गुजिया के बिना होली का त्यौहार अधूरा है। गुजिया बनाने के लिए 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम खोआ, 200 ग्राम बूरा, यदि आपके पास बूरा नहीं है तो आप शक्कर पीस सकती हैं। मैदा में डालने के लिए देसी घी, 4-5 चम्मच सूजी, गुजिया चिपकाने के लिए कच्चा दूध, 1 चम्मच पिसी इलायची, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैदा मलने के लिए गर्म पानी। अब हम सबसे पहले मैदा मलेंगे, उसके लिए हम घी गर्म करेंगे डालने के लिए। अब हम मैदा में गर्म घी डाल लेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने मैदा में ये घी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं मुट्ठी में बांध के देखूंगी। ये अच्छी तरह से मैदा बंध गई है, हमारी मैदा तैयार है। अब इसको मैं गर्म पानी से मलूंगी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मलेंगे। मैदा ना ज़्यादा कर्री होनी चाहिए ना ज़्यादा ढीली। मैदा मल के तैयार हो गई है। इसको अब हम 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। जब तक ये मैदा फूल के तैयार होगी तब तक हम गुजिया में भरने के लिए सामग्री तैयार करते हैं। अब मैं एक बाउल में खोआ डाल रही हूँ और ये सूजी डाल रही हूँ भुनी हुई। अब मैंने ये बूरा डाला, ये इलायची पाउडर है, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। अब इन्हें मैं मिक्स कर रही हूँ सब चीज़ों को अच्छी तरह से। गुजिया में बनने की सामग्री तैयार हो गई है। गुजिया बनाने के लिए हम मैदा की लोई बना लेंगे छोटी छोटी, उससे छोटी छोटी पूड़ी बेल के उसमें ये सामग्री भरेंगे और उसको कच्चे दूध से बंद कर देंगे और फिर उन्हें तलेंगे। मैदा की हम लोई बना रहे हैं, अब इन्हें हम बेलेंगे। ना ज़्यादा मोटी ना पतली। अब इसमें सामग्री भरेंगे और दूध से चिपकाएंगे। मैं इसको इस तरह से घुमा घुमा के मोड़ रही हूँ, आप भी इसको इस तरह से करिएगा धीरे धीरे। एक दो बार आप बनाएंगे आ जाएंगी। इन गुजियों को हमने इस तरह से बना लिया है। अब हम घी गरम करके इन्हें तलेंगे। अब हमने ये घी गरम करने के लिए रख दिया है। गुजिया तलने के लिए घी तैयार है। गैस को हम धीमा कर देंगे। अब इसमें हम धीरे धीरे गुजिया डालेंगे। और इनको धीरे धीरे ऐसे तलेंगे। ज़्यादा इसमें हम कलची नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगी। बहुत धीरे आहिस्ता से इन्हें इस तरह से इन्हें पलटेंगे। जैसे ये गुंजिया भूरे रंग की हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बनके तैयार हो गई है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लें। गुंजिया अब ये खाने के लिए तैयार हो गई है। आप खाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए। होली का त्यौहार शुभ हो।